एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं तमोह जिले की खबरें। भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दमोह जिला मुख्यालय पर मातृ शक्ति संगम के बैनर तले विभिन्न संगठन की महिलाओं ने पहुंच करके प्रदेश के गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही वहां पर महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी लाने और उन्हें खत्म करने को लेकर के ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मातृशक्ति संगम के बैनर तले दिए गए ज्ञापन के दौरान विभिन्न समाज संगठन की महिलाओं की विशेष रूप से मौजूदगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, इसके पूर्व भी हमने देखा था कि संदेश खाली नामक स्थान में जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और टीएमसी के राज में जो गुंडागर्दी है वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, और वर्तमान में अभी फिर ये मामला सामने आया है जो महिला की पिटाई वाला। तो इस तरह महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, बर्बरता वाला व्यवहार, यौन शोषण जैसे अपराध हो रहे हैं, और इस पर बहुत शर्म की बात है कि उस मतलब प्रदेश की जो मुखिया है ममता बनर्जी, वह खुद महिला होकर महिलाओं के अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। इसी संबंध में आज हम मातृशक्ति संगम के साथ में ज्ञापन देने आए हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कोशिश की जाए कि अब यह मतलब दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ रोका जाए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ मातृशक्तियों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, उनको पूजा जाता है। जैसे कि सभी को ज्ञापित है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इससे पहले भी काफ़ी हमारी राष्ट्रीय सेविका के द्वारा और महिला शक्ति के द्वारा एक बार और ज्ञापन दिया जा चुका है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके साथ साथ उन अपराधियों के लिए बंगाल सरकार के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। आज इस हेतु हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि महिलाओं के अत्याचार को खत्म किया जाए और जो अपराधियों को ममता बनर्जी द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है उनके ऊपर श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ऐसी कार्रवाई करें जिससे अपराधियों को संरक्षण ना मिले, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो इससे मुक्त हो पाए। इसी हेतु सभी महिला मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित होकर ज्ञापन देने के लिए आई। जैसा कि हम कई महीनों से देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं की स्थिति है काफ़ी दयनीय है, उत्पीड़न से भरी हुई है, और जो वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार है वो जो अत्याचारी हैं उनका सपोर्ट कर रही है, और महिलाओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न हो रहे हैं उससे समस्त नारी जगत दुखी है। और उसी के संबंध में आज हमारा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जगह जगह हर जिले में हर तहसील में जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो हम सभी मातृशक्ति सभी संगठन विविध संगठन की हैं, और आज हम कलेक्टर साहब को केंद्र के माननीय गृह मंत्री के नाम से ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में कूच बिहार संदेश खाली है चोपड़ा में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही हैं तो उस पर रोक लगाई जाए और इस तरह की वारदात ना हो, और जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार हम देख रहे हैं उनके साथ हिंसक अपराध हो रहे हैं, उनके साथ यौन शोषण के इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, और वहाँ की जो हमारी वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं जो ममता बनर्जी जी, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य हो रहा है। तो जो अत्याचारी लोग हैं उनके साथ इस तरह का कार्य हो कि और लोगों को और प्रदेश के लोगों को भी सबक मिले, इस तरह की कार्यवाही है। माननीय गृह मंत्री जी से हम सब महिलाओं की अपेक्षा है कि वो इस तरह की कार्यवाही करेंगे और इस तरह का सबक देंगे कि आगे और अन्य प्रांतों में प्रदेशों में किसी की जरूरत ना हो कि महिलाओं की तरफ इस तरह के कोई कार्य करने की कार्यवाही कर सके।